आखिर श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? दोस्तों, जब कभी भी प्रेम की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहला नाम राधे कृष्ण का आता है, परंतु जब श्री कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? यह सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी सवाल का जवाब देने वाली हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। राधा रानी का श्री कृष्ण के साथ विवाह न हो सका, इसके पीछे बहुत सारे कारण बताई गई है। पर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह नहीं किया। पहला, आध्यात्मिक प्रेम। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम आजकल के प्रेम से बिल्कुल भिन्न था। उनका प्रेम दैवीय और आध्यात्मिक था, जिसमें विवाह की आवश्यकता नहीं होती है। राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और स्नेह आत्मिक और आध्यात्मिक था, जो कि भक्ति के द्वारा प्रकट किया जाता था, जो कि भौतिक संबंधों से भी परे था। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले वो राधा रानी से कितने भी दूर क्यों न रहें, उनका उनके प्रति प्रेम कभी कम नहीं होगा। वे हमेशा ही आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए रहेंगे। एक मत के अनुसार श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो लोगों को आंतरिक प्रेम के बारे में बताना चाहते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, वह विवाह एक समझौता है। वे आने वाली पीढ़ी को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाना चाहते थे। नंबर 3, बचपन में ही बिछड़ गए थे दोनों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राधा कान्हा की बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण छोटे थे तो वो माता यशोदा से जिद करने लगते हैं कि उन्हें राधा से विवाह करना है। मैया उन्हें समझाती है कि उनका विवाह राधा से नहीं हो सकता क्योंकि वे उम्र में उनसे बड़ी है और उनका विवाह पहले ही तय हो चुका है। फिर कुछ दिन बाद कंस का बुलावा आने पर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा के लिए निकल जाते हैं। वृंदावन छोड़ते वक्त वो अंतिम बार राधा से मिलते हैं और वह मुलाकात उनकी अंतिम मुलाकात होती है। दोस्तों, कारण चाहे जो भी था, परंतु श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी हमेशा अमर थी और हमेशा ही अमर रहेगी। इसी बात पर कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें।